ये यहाँ पर सब क्या है? ये हॉस्पिटल है या भूत घर? एक मॉल को इन लोगों ने भूतिया हॉस्पिटल बना दिया। ये सड़क पर चलेंगे तो सड़क भी भूतिया सड़क बन जाएगा, पानी पियेंगे तो पानी भी भूतिया पानी समझेंगे लोग। वो रही नर्स, उससे पूछती हूँ ये हॉस्पिटल है या क्या है? ये हॉस्पिटल है, यहाँ लोगों की जान ली जाती है। तो फिर पीछे लोग मॉल में घूम रहे थे, तुम लोग मॉल देखने आए थे या फिर मॉल तुम्हें देखने आया था? बस तुम्हें मुझे आगे तक छोड़ना होगा, उसके बाद तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ छोड़ दूंगा। ये एक छोटे से जैकेट देखकर इतना डरा था, यही जैकेट किसी बच्चों को मिलता तो वो घर लेकर पहन भी लेता, और इसे जैकेट देखकर इतना पट गया, इतना डरपोक है तो घर से निकलता है क्यों है? मुझे तुम्हें कहाँ छोड़ना है? तुम बस चलते जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ऐसी क्रिंज हॉरर स्टोरी देख के कुत्ता भी तुम पर मूत के चला जाता। सही बात। बच्चों हमारे मुर्दा घर से मुर्दे चोरी हो रहे, पता लगाओ कि वो चोर कौन है। तुझे क्या लगता है चोर कौन होगा? पता नहीं ऐसे कौन से भूत है जिनका चेहरे के अलावा बाकी शरीर इंसान जैसा होता है, और भूत स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा? अरे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? तू है वो चोर और तू चुरा रही है लाशें, बोल तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्कूल में इसका मेकअप बॉक्स खत्म हो गया था, उस मुर्दे को बेच के मेकअप बॉक्स खरीदने के लिए मुर्दे गायब कर रही थी, इसलिए कड़वा है मगर सच है। ठीक है समझिए सर, वो घर रह गया हेलमेट। चालान करो, चलो जाओ। अबे ये कैसा चालान था, ना ही पैसे लिए ना ही कोई पेपर्स दिए, नंबर प्लेट के सामने फोन पकड़ कर ठहरने से चालान कट जाता है, मतलब कुछ भी। सर हेलमेट नहीं है आपका, चालान करना होगा सर। एक ऐसे लोग हैं जहाँ पर चलना मुश्किल है वहाँ पर चलान काट रहे हैं, इतने छोटी गली के रोड पे ये लोग क्या बवासीर बला रहे हैं? शर्म हमारी क्लास में कोई जासूस घुसा है और उसी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ, तो चलो तुम अपना मैजिक बताओ। आजकल मैजिकल स्कूल भी होते हैं, और ये लड़की है ऊपर सिंह क्यों है? ये लड़की है या फिर एक जानवर? तो तुम पकड़ी गए, अब तुम मुझसे कौन बचाएगा? अब मैं क्या करूँ? तुम मुझसे नहीं बचेगी। हाँ मैं एक स्पाइडर वुमन हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ। स्पाइडर वुमन, यहाँ पर किसी को सिंह आ जाते हैं, कोई मकड़ी बन जाता है, ये लोग कौन सी दुनिया के हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, इनकी हरकतें देखकर लगता है ये अलग दुनिया के हैं। होमवर्क दिया था इंसानों को मारकर उनका खून लाने का, तो तुम लेकर आए हो? यस मैडम, मैं भी 7 लोगों को मारकर उनका खून लेकर आया हूँ। पेप्सी की बोतल में पेप्सी लाके बोलते हैं खून लाए हैं, इसके तो एक मच्छर मारा नहीं जा रहा, और फिल्टर लगा के बोलता है 7 लोगों को मार रहा है, नौटंकी भी हद होती है। ये लोग तो इंसानों को मारकर उनका खून लेकर आए, मैं तो इंसान हूँ मैं क्या करूँ? चिल्लू भर पानी में डूब के पेप्सी की बोतल में मूत के सोजा, खून मिल जाएगा। ठीक है समझ, ले लो रास्ते का माल सस्ते में। अबे तू पटाखे बेचने लग गया, तेरी यही औकात है? इन लोगों के हिसाब से रास्ते पर जो भी काम करता है उनकी औकात होती नहीं है, जितना ये सालाना नहीं कमा पाते वो लोग तो महीने में कमा लेते हैं। अरे बेटा फटाके ले रही है, ले ले, वैसे भी कल दिवाली है। अरे नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए फटाके, मेरे तो परसों एग्जाम है, और ये गवार लोग फटाके बेचते हैं, चलो आप यहाँ। छिपकली से डरने वाले लोग आजकल ज्ञान ज्यादा देते हैं, वो भी रास्ते पे बैठे मजदूरों को, क्योंकि इन्हें अपने बराबर के लोगों से बात करना तो आता नहीं है। सही बात। भाई तूने ये क्या किया, इसका मतलब तू भी स्पाइडर बन गया? हाँ और मेरी तरह सब स्पाइडर बन जाएंगे। आज ये स्पाइडरमैन बने हैं, कल को छिपकली मैन बनेंगे, इनका रोज का ही है। मैं भले ही स्पाइडर बन गया हूँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हमारी मदद करोगे पर कैसे? मैं उसे लड़ाई करके उसे हरा दूंगा। ये बहुत ताकतवर है, तू इसे हरा नहीं पाएगा। मेरा साथ देने के लिए तुझे भी स्पाइडर बनना होगा। मैं स्पाइडर बनूं? हाँ। अरे भाई कितने जोर से काट ले। क्या तू स्पाइडर होगी, की मदद करेगा? इसका दंड तुझे भुगतना होगा। ये लोग आपस में मकड़ी मैन बनने के चक्कर में लगे पड़े हैं, और वो लड़की स्पाइडर मैन बनने के, मैं ये सोच रहा था ये लोग मक्खी बन के टट्टी में कब बैठेंगे। सुनो मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे ये कौन सा तरीका है मदद मांगने का, मदद के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, धमकी नहीं। मेरी मदद करो, 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 मेरी मदद करो। बस क्या मदद करना मुझे तुम्हारी? इस होटल के मालिक ने मुझे मार दिया था, तो तुम्हें उससे मेरी मौत का बदला लेना है। क्या बकवास है, ऐसे मदद मांगने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग डरावना शॉट बनाने के चक्कर में क्रिंज शॉट बना देते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अबे ये देख खड्डा, ये फैयाज टक्कर के दर मिलेगा। अबे ए लोमड़ी के, अबे ये छपरी कौन है, खड्डे के नाम पर दीवार फोड़ रहा है, और इंसान अली को सही नाम दिया है लोमड़ी। उड़ा दे उड़ा दे, आंधे आंधे, ये ईंट उठा रहे। अबे ये भी अंगूठा दिखा रहे है तू, ये ले। ये बच्चा नाले में कब गिरा था और मुंह धोकर भी आया नहीं, और ये छपरी खड्डे के नाम पर ईंट फोड़ रहा है, थोड़ी देर बाद इसका दिमाग भी बाहर आ जाएगा। सही बात। ये देख पावर कैप्सूल, इसको खाने से अपने शरीर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की मैजिकल शक्ति आ जाएगी। अबे ये कैप्सूल नहीं बल्कि कैप्सूल जैसे दिखने वाले खिलौने हैं, गलती से खा लिया तो वरना लैटरिन के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी।
ए, तुम लोग चुपचाप बैठो, ये स्कूल को मैंने हाईजैक कर लिया है, अब तुम लोगों के बदले सरकार से मैं पैसा मांगूंगा। क्या बोलना? अबे ये क्या हो गया, मेरी गन कहाँ गई? अब तो तुझे हमने हाईजैक कर लिया है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी डाकू नहीं बनूंगा। क्या बकवास है, ये लड़का डाकू बनाए कब था, जो नहीं बनने वाला है अब। पावर के नाम पर ये लड़का इतना तेज कहाँ गया था लैटरिन के लिए? तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला।